हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसा डाइट प्लान, एक हफ्ते का ऐसा डाइट प्लान जो आपके वेट को कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। दोस्तों, इस डाइट प्लान की हेल्प से आप 20 से 30 किलो तक का वज़न कम कर सकते हैं एक महीने में। बस सिर्फ करना ये है कि आपको इस डाइट प्लान का पालन करना है। जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, जस्ट उनको फॉलो करना है। तो डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ 100% श्योर कि आपका वेट कम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं संडे से लेकर फ्राइडे तक का ये डाइट प्लान। सबसे पहले हम 6 o'clock उठते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए, बिना मुंह धोए आप सिर्फ और सिर्फ आपको गरम चाय जितना गरम पानी पीना है। अगर उसे आप सिप सिप करके पीते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर गरम नहीं पी सकते हैं तो फिर आप गुनगुना पानी भी पी सकते हैं। इसके साथ होता क्या है दोस्तों, आपके मुंह में जो लार बनी होती हैं वो पानी के ज़रिए आपके पेट के अंदर जाती हैं, आपके शरीर के अंदर जाती हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होता है और पेट की प्रॉब्लम्स भी साफ होती हैं, आपका पाचन तंत्र सही बना रहता है। उसके बाद आपको जस्ट फ्रेश होना है, अपने दांतों को आपने नीम से साफ करना है। इसके बाद आपको 30 मिनट तक योग करना है, एक्सरसाइज करनी है। बट ध्यान रखिएगा, अगर आप एक्सरसाइज बाहर पार्क में खुले में जाकर करें तो बहुत बढ़िया है आपके लिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर दोस्तों आप अपने घर में कर सकते हैं। तो 30 मिनट तक ये एक्सरसाइज आपने हर रोज करनी है। नेक्स्ट है दोस्तों 7 से 8 बजे का टाइम। अब आपको पानी नहीं पीना है, इस अंतराल में किसी से आप बातें कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि आपने इस अंतराल यानी कि इस टाइम को पूरा करना है, आपने इस टाइम को ख़त्म करना है। किसी ना किसी तरीके से ये टाइम पास करना है अपने 7 to 8 के बीच का। अगर आप वॉक करने जा रहे हैं तो आपने अपनी घड़ी पर ध्यान देना है कि वहाँ पे 8 ही बजे हों। अब 8 से 9 बजे का टाइम जो होता है, अब आप 3 लहसुन की कलियों का सेवन कीजिए, साथ में 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और आधा कटा नींबू डालिए और उसे पी लीजिए। अब 20 मिनट बाद आपको 2 गिलास पपीते का जूस पीना है। अब आप स्नान कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया दोस्तों 9 से 10 बजे का टाइम। ये समय कुछ लोगों के लिए काम का होता है, लाइक ऑफिस जाने वाली लेडीज़ ऑफिस जाती हैं, जेंट्स ऑफिस जाते हैं, बॉयज़ गर्ल्स जिनका वेट बहुत ज़्यादा है वो भी ऑफिस या कॉलेज जा रहे होते हैं, तो वो इसका सेवन कैसे करेंगे, वो इस टाइम में क्या करेंगे, वो आपको खुद एडजस्ट करना होगा। और जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ ये आप अपने साथ में भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, सेब लेकर जाएं यदि आपको भूख लगती है तो वो इसका सेवन कर सकते हैं। एप्पल आप इस टाइम में खा सकते हैं, सेब की मात्रा 4 हो। काम करने का न्यूनतम समय जो है वो 1 PM बजे तक होता है, यानी कि आप 1 बजे तक आपका लंच टाइम होता है। जो लोग काम पर जाते हैं तो वो सिर्फ सेब खाएं, 4 सेब आप इस समय में खा सकते हैं। जो लोग काम पर नहीं जाते हैं वो लोग 2 कटोरी दलिया ले सकते हैं। अब आपको 1 बजे कुछ नहीं खाना है। यदि बीच में भूख लगे तो आप ककड़ी या खीरा खा सकते हैं। ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है। अब 1 से 3 बजे का टाइम, उसमें आपने क्या करना है, इस समय में आपको 1 रोटी और हरी सब्जी का उपयोग करना है। खाना खाने के बाद आपको मुट्ठी भर काले तिलों का इस्तेमाल करना है, मतलब काले तिलों को खाना है। इसके बाद आपको सोना है, 3 बजे तक आप आराम कीजिए, उसके बाद उठिए और ठंडे पानी से अपना मुंह धोइए, अपनी आँखों को वॉश कीजिए। उसके बाद 4 से 5 बजे के बीच में आपको शाम को पैदल घूमने जाना है। घूम के आने के बाद आपको पपीते का जूस का इस्तेमाल करना है। 5 से 6 बजे के बीच में अब आपको हरा सलाद खाना है, जिसमें आपके पास खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, नींबू,
प्याज ये चीजें शामिल होंगी। और 30 मिनट के बाद यानी कि 5:30 बजे आपको दलिया खाना है। आपको एक कटोरी दलिया आपको खाना पड़ेगा। तो दोस्तों 6 से 7 बजे के बीच दलिया खाने के बाद आधी मुट्ठी भर काले तिलों का सेवन आपने करना है। इसके बाद आपको 10 मिनट तक घूमने जाना है, या लाइक घर पर वॉक कर सकते हैं आप। अब 7 से 8 बजे के बीच में इस अंतराल में आपको कुछ नहीं खाना है। प्यास लगे तो गुनगुने पानी का ही आपको इस्तेमाल करना होगा। 8 से 9 बजे के बीच में इस समय में आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है जो कि आपके लिए अच्छी हों। ऐसी किताबों का इस्तेमाल नहीं करना जो कि चिंता का विषय और डिप्रेशन का टेंशन का कारण बने। अब 9 बजे आपको अब सो जाना है। सुबह 6 o'clock तक रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी पीना है आपको। सोते समय आप अगर गुनगुना पानी पी के सोते हैं तो आपको ये बहुत बढ़िया होगा। मंडे यानी कि सोमवार इस दिन आपको व्रत रखना है, जिसमें आप पूरा दिन में आयुर्वेदिक चाय, पपीते का जूस, हरा सैलेड, सेब, अनार, फलों का सेवन कर सकते हैं। कोई भी आप फल खा सकते हैं इनमें। ऐसा खाना ना खाएं जिसमें कैलोरीज हो और बहुत ज़्यादा कैलोरीज आपको मिल जाएं। और दलिया और रोटी ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। तो दोस्तों ये डाइट प्लान आप ज़रूर शामिल करें अपने खाने में। दोस्तों 7 से 8 बजे के बीच में अब आपको पानी नहीं पीना है। इस अंतराल में किसी से बातें कर सकते हैं तो कीजिए, कैसे भी करके इस अंतराल को आपको पूरा करना है। ये अंतराल आपको पूरा करना है और ये टाइम लाइक आपको पास करना है। आप कुछ खाकर ना ही कुछ पीकर आपको ये टाइम पास करना है। किसी से बातें करें, टीवी देखें या फिर बुक्स पढ़ें। और 8 से 9 बजे के टाइम में अब आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद पूजा कीजिए और अब आपको कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, जैसे कि सोयाबीन के बीज। इनको इस्तेमाल में लेने के लिए रात में उनको एक कटोरी पानी में भिगोकर आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद जब सुबह ये सॉफ्ट हो जाएं तब आप इनको कच्चा खा सकते हैं। साथ ही साथ आप बादाम, अखरोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका मंडे का डाइट प्लान है, जिस दिन आपने भूखा रहना है यानी कि कुछ नहीं खाना है। ये याद रखिएगा 9 से 10 बजे के बीच इस अंतराल में आपको चाय का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और यदि आप ऑफिस जा रहे हैं तो एक कटोरी लौकी की सब्जी का इस्तेमाल करें। 10 से 1 बजे के बीच में जो लोग ऑफिस या काम को करने के लिए बाहर जाते हैं वो लोग अपने साथ भुने हुए चने या सोयाबीन या हरा सैलड लेके जा सकते हैं। याद रहे यदि आप भुने हुए चने का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपको पानी नहीं पीना है। जो लोग घर पर रहते हैं वो लोग जूस जैसे पपीते का और अंगूर का, अनार का जूस पी सकते हैं। और दोस्तों बाद में 1 से 3 बजे के बीच में अन्य दिनों की तरह इस वक्त में आपको एक मुट्ठी काले तिलों का सेवन करना जरूरी है और आप ये सेवन करके सो सकते हैं। 3 से 4 बजे के बीच में यदि आपको इस अंतराल में भूख लगे तो आप एक कटोरी दही में जीरा मिलाकर खा सकते हैं। 4 से 5 बजे के समय में आपको मूंग का पानी पीना है यानी कि दाल का पानी पीना है। ध्यान रहे पानी गुनगुना होना चाहिए जब भी आप पिए। 5 से 6 बजे के बीच में इस समय में आपको बाहर पैदल घूमने के लिए बाहर जाना है। यह समय आपका कैसे भी व्यतीत होना चाहिए। 6 से 7 बजे के बीच में पहले आधे घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना। उसके बाद एक कटोरी दलिया खा सकते हैं, साथ में 1 गिलास दूध भी पी सकते हैं। 7 से 8 बजे के बीच में आपको इस समय में आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ें। अगर आपको किताबें पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए तो आप सो भी सकते हैं। यदि नहीं आए तो आप थोड़ा टहल भी सकते हैं। इसके बाद आप 1 गिलास गुनगुना पानी पीकर सो सकते हैं। ये था ओनली और ओनली मंडे का डाइट प्लान। और उसके पहले जो मैंने आपको डाइट प्लान बताया है वो बाकी दिनों का है। जिस दिन आपने व्रत रखना है उस दिन ये डाइट प्लान आपको फॉलो करना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये था पूरे हफ्ते का डाइट प्लान, इसे आप फॉलो करें, डेफिनेटली आपका वेट कम होगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है क्लिक नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आप तक पहुँच जाए। दोस्तों मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, स्टे हेल्दी।